दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विदर्भ के 20 सबसे बड़े शहरों को देखेंगे। 2023 के अंदर विदर्भ में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 20 शहरों को। विदर्भ जो महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा भाग है जिसे आने वाले समय में आप एक राज्य के रूप में जरूर देख सकते हैं। हो सकता है बहुत ही जल्द महाराष्ट्र के विदर्भ को अलग कर एक नए राज्य की स्थापना हो जाए। विदर्भ के अंतर्गत महाराष्ट्र के 11 महत्वपूर्ण जिले आते हैं और इन 11 जिलों में 25 शहर विदर्भ के अंतर्गत है। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र मुख्यतः कोयला और खनिज के खदानों के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय है। साथ ही राज्य में पैदा होने वाली अधिकतर बिजली का स्रोत महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए देखते हैं विदर्भ के 20 सबसे बड़े शहरों को। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, यहां आपको नॉलेज से भरपूर मजेदार वीडियोस मिलते रहती है। जनसंख्या के मामले में विदर्भ का 20वां शहर है शेगांव, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 79,000 है। शेगांव इस राज्य के बुलढाणा जिले का एक बेहद ही महत्वपूर्ण शहर है, जहां संत श्री गजानन महाराज की समाधि स्थल है, जहां हर रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। साथ ही शहर में स्थित आनंद सागर, जो कि एक मनमोहक झील है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र भी है। जनसंख्या के मामले में विदर्भ का 19वां शहर है बुलढाणा, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 90,000 है। बुलढाणा विदर्भ का एक जिला भी है। साथ ही बुलढाणा में महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध बाबा सैलानी सरकार का दरगाह है, जहां हर साल मार्च के महीने में होली के दिन में मेला रहता है। उस मेले में महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। जनसंख्या के आधार पर विदर्भ का 18वां शहर है मलकापुर, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 92,000 है। मलकापुर जो विदर्भ के बुलढाणा जिले में स्थित है, इस शहर से राष्ट्रीय राजमार्ग 166 गुजरता है, जो कोल्हापुर और रत्नागिरी को आपस में जोड़ता है इस शहर के साथ। जनसंख्या के आधार पर विदर्भ का 17वां शहर है कारंजा। यह शहर राज्य के वाशिम जिले में स्थित है, जिसकी हाल के समय में कुल जनसंख्या 95,000 है। जनसंख्या के मामले में विदर्भ का 16वां शहर है पुसद। पुसद जो कि राज्य के यवतमाल जिले का एक शहर है, जिसकी हाल के समय में कुल जनसंख्या 98,000 है। जनसंख्या के आधार पर विदर्भ का 15वां शहर है वाशिम। विदर्भ के वाशिम शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 1,07,000 है। जनसंख्या के मामले में विदर्भ का 14वां शहर है कामठी। कामठी जो नागपुर का एक उपनगर है, यह शहर कोलार नदी और कन्हान नदी के संगम में स्थित है। साथ ही नागपुर शहर की जलापूर्ति इसी शहर से की जाती है। हाल फिलहाल विदर्भ के इस शहर की कुल जनसंख्या 1,18,000 है। विदर्भ का 13वां शहर जनसंख्या के आधार पर है बल्लारपुर। बल्लारपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,22,000 है। बल्लारपुर शहर जो राज्य के चंद्रपुर जिले में आता है, इसका पुराना नाम बल्लार शाह हुआ करता था। बल्लारपुर में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कई खदानें मौजूद है। साथ ही शहर के आसपास बांस के बगानों की अधिकता भी है, जिसे यह शहर कोयला और कागज उत्पादन के लिए राज्य का एक प्रमुख शहर भी है। जनसंख्या के मामले में विदर्भ का 12वां शहर है भंडारा। भंडारा शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। विदर्भ का भंडारा शहर एक जिला भी है, साथ ही यह इस जिले का मुख्यालय भी है। भंडारा शहर से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 53 और 247 होकर गुजरता है, जिसे यह शहर नागपुर, रायपुर और मध्य प्रदेश को आपस में बहुत ही आसानी से जोड़ता है। विदर्भ का 11वां शहर आकोट है जनसंख्या के आधार पर। आकोट शहर की हाल के समय में कुल जनसंख्या 1,26,000 है। यह शहर राज्य के अकोला जिले के अंतर्गत आता है। जनसंख्या के मामले में विदर्भ का 10वां सबसे बड़ा शहर है खामगांव। यह शहर विदर्भ के बुलढाणा जिले में आता है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1,28,000 है। विदर्भ का 9वां सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर हिंगनघाट है। यह शहर वर्धा जिले के अंतर्गत है, जो वर्धा से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। हिंगनघाट की वर्तमान जनसंख्या 1,39,000 है। जनसंख्या के मामले में विदर्भ का 8वां सबसे बड़ा शहर है वर्धा। वर्धा शहर जो कि एक जिला भी है, इस शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 1,46,000 है। इस शहर से वर्धा नदी होकर गुजरती है। साथ ही शहर को इंद्रदेव की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, जिससे वर्धा शहर का दूसरा नाम इंद्रपुरी भी है।
जनसंख्या के दृष्टिकोण से विदर्भ का सातवां शहर है यवतमाल। यवतमाल शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 159,000 है। यवतमाल जो कि इस राज्य का एक जिला भी है, यह शहर नागपुर, मुंबई और हैदराबाद के रास्ते में स्थित है। जनसंख्या के आधार पर विदर्भ का छठवां सबसे बड़ा शहर है गोंदिया। गोंदिया शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 184,000 है। गोंदिया शहर जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जहां मुख्य तौर पर चावल मिल्स और बीड़ी उद्योग की अधिकता पाई जाती है। जनसंख्या के मामले में विदर्भ का पांचवा सबसे बड़ा शहर है अचलपुर और परतवाड़ा। विदर्भ के ये दो शहर जो कि ट्विन सिटी है, राज्य के अमरावती जिले में स्थित है, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 3,02,000 है। जनसंख्या के आधार पर विदर्भ का चौथा सबसे बड़ा शहर है चंद्रपुर। विदर्भ का चंद्रपुर शहर जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 4,40,000 है। चंद्रपुर शहर जिसे इंद्रपुरी भी कहा जाता है, अपने घने जंगल और बाघों के लिए जाना जाता है। साथ ही यह शहर गोंडकालीन प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी पहचाना जाता है। साथ ही यहाँ स्थित महाकाली देवी और अंचलेश्वर मंदिर के साथ 550 साल पुराना प्राचीन गोंड राजाओं द्वारा निर्मित किला भी है। दोस्तों कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखेगा। माँ काली आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव एवं निरंतर बनाए रखेगी। गढ़चिरौली, नागपुर, यवतमाल आदि जिलों की सीमाएं चंद्रपुर से लगती है। जनसंख्या के मामले में विदर्भ का तीसरा सबसे बड़ा शहर है अकोला, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 5,86,000 है। विदर्भ का अकोला शहर जो कि एक जिला भी है, यह शहर मोरना नदी के किनारे बसा है। अकोला के आसपास काफी घने जंगलों का घेराव है, जिसमें मुख्य रूप से दुर्लभ प्रजाति के चौसिंगा हिरण पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ कॉटन व्यापार की अधिकता होने के कारण इसे कॉटन सिटी भी कहा जाता है। जनसंख्या के आधार पर विदर्भ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है अमरावती। अमरावती शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 8,91,000 है। अमरावती जो कि इस राज्य का एक जिला भी है, यहाँ स्थित चिकलदरा और मेलघाट टाइगर रिजर्व प्रमुख पर्यटन स्थल है। साथ ही अमरावती का नाम भारत के स्मार्ट शहरों में भी आता है। अमरावती सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश के अन्य छोटे बड़े शहरों से बड़ी ही आसानी से जुड़ता है। जनसंख्या के आधार पर विदर्भ का पहला और सबसे बड़ा शहर है नागपुर, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 33,16,000 है। नागपुर विदर्भ का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के आधार पर, साथ ही महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। नागपुर जो महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी भी है, यह शहर अपने संतरों के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। साथ ही नागपुर में 100 से भी अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो इसे शिक्षा के क्षेत्र में देश का एक महत्वपूर्ण शहर बनाता है। तो दोस्तों यही है विदर्भ के 20 सबसे बड़े शहर जनसंख्या के आधार पर। वैसे दोस्तों आप कौन से शहर से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आप कमेंट में ये जरूर बताना कि जब भी विदर्भ राज्य का गठन होगा तब इस राज्य की राजधानी किस शहर को बनाई जाएगी और क्यों बनाई जाएगी, कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल पर विजिट कर कई अन्य राज्यों के सबसे बड़े शहरों की जानकारी भी ले सकते हैं। साथ ही आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं आपसे नॉलेज से भरपूर किसी और मजेदार वीडियो में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।